प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को जब आजादी मिली थी तब सरदार साहब ने जो कहा था कि भारत में संपदा की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग और संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। आजादी के मुकाबले में आने वाले 25 वर्षों के लिए जब हम संकल्प के लिए निकले हैं तो हमारे सरदार साहब के इन शब्दों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में एक शहर सूरत है और आप सब आज सूरत में बैठ करके नए संकल्प ले रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ महीने के अंतराल में सरदार धाम से जुड़े साथियों, देश दुनिया में गुजरात और भारत के गौरव को बढ़ाने वाले आप सभी बहनों भाइयों को फिर से मुझे मिलने का मौका मिला है। ये गुजरात के प्रति और भारत के प्रति हमारे साझा संकल्पों, साझा प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है। साथियों, देश को जब नई नई आजादी मिली थी और उन मुश्किल भरे हालात में सरदार साहब के शब्दों की ताकत देखिए, उन्होंने कहा था भारत में संपदा की, वेल्थ की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग, अपने संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। मैं कहता हूं कि आजादी के मुकाबले में आने वाले 25 सालों के लिए जब हम एक संकल्प के साथ निकले हैं तो सरदार साहब की इस बात को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भारत के पास इतना कुछ है, हमें बस अपने आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को मजबूत करना है। ये आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबका प्रयास लगेगा। अपनी नीतियां, अपने एक्शन के माध्यम से सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश में ऐसा माहौल बने कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी एंटरप्रेन्योर बने, उसके सपने देखे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको नए भारत की नई संस्कृति बनाने के लिए मैं समझता हूं काम किया जा रहा है। इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नए शहरों के निर्माण, पुराने शहरों में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने और इनोवेशन की, आइडिया की हैंड होल्डिंग, ऐसे सभी कामों पर एक साथ काम किया जा रहा है। मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। स्टार्टअप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंट में भी आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख रहा है जिसको कभी रास्ता नहीं दिखता था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही है। अब देखिए, कोरोना काल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए की मदद देकर एमएसएमई से जुड़े करोड़ों रोजगार बचाए गए और आज ये सेक्टर नए रोजगार का तेजी से निर्माण कर रहा है।
यहां तक कि रेहड़ी ठेले जैसा बहुत छोटा व्यापार कारोबार करने वाला देशवासी भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। पहली बार उसको भी पीएम स्वनिधि योजना से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी मिली है। हाल ही में हमारी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। साथियों, छोटे से बड़े हर व्यवसाय, हर कारोबार का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबका प्रयास की यही भावना तो अमृत काल में नए भारत की ताकत बन रही है। मुझे खुशी है कि इस बार की समिट में आप इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम।